और स्पेशली इन्हीं भजनों की ज्यादा फरमाइश है। पहला भजन उस समय से होगा कि जिस समय आप सभी जानते हो नरसी जी की एक बेटी थी, बेटा भी था, लेकिन बेटा जब छोटा था तो गांव में कोई ऐसी बीमारी आई कि बेटा चल बसा और अकेली बेटी थी हर नंदी। हर नंदी की बड़ी धूमधाम के साथ नरसी जी ने शादी कर दी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी को अच्छा घर मिले और अच्छा वर मिले। नरसी जी ने अपनी लाडो के लिए अच्छा घर अच्छा वर तलाश कर दिया। कहते हैं कि समय बड़ी रफ्तार के साथ बदलता है, आज जैसा है कल शायद उससे भी अच्छा हो सकता है कि आज जैसा हो है कल वैसा ना हो। नरसी जी का भी समय बदला और ज्ञान आया, विचार आए कि नरसी जी बड़े कंजूस होते होते भगवान का साक्षात्कार हुआ और नरसी जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया। हरनंदी की बेटी थी रामा, रामा की शादी होने वाली थी, तो जैसे घरों में रस्म होती है कि माताओं की जब बच्चों की शादी होती है तो वो अपने मायके जाती हैं, किसके लिए? भात का इनविटेशन देने के लिए कि भाई लोग आपने आना है और भात भरना है। वैसे हरनंदी की सास ने कहा, ए हरनंदी जा अपने बाप के घर और जाके भात न्योत के आ। यूं कहने लगी सासू माँ, री मेरे सासू ताने मारे मतना, मेरे नाम आ जाया वीर और भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाप बुल हुए फकीर। बोले मेरे माँ का जाया तो है नहीं, बाप था वो बाबा जी हो गया, मैं किसके घर आ जाऊं। लेकिन एक नायिका होता है, उसके द्वारा चिट्ठी पहुंचा दी जाती है और नरसी जी को बता दिया जाता है कि तुम्हें उस दिन उस जगह उस टाइम पे भात लेके आना है। अब नायिका चला तो गया, नरसी जी महाराज की गर्दन झुक गई। बोले एक रिश्तेदार बेटी के यहां से आया है, अगर उसको खाना नहीं खिलाया तो ना जाने मेरी बेटी के वहां मेरी कितनी बदनामी करेगा। नरसी जी की नाड़ झुक जाती है और यहां से ये भाव, ये भजन, ये रचना शुरू होती है। सुनिएगा। और जब आता दिख्या नाई और नरसी ने नाड़ झुकाई, आज दया करो गिरधारी लाज बचा दे रे। नरसी जी महाराज भगवान को याद करते हैं और जब अच्छा समय होता है तो रिश्तेदारों को याद किया जाता है, लेकिन जब समय बिगड़ी का होता है तब भक्त किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। नरसी जी महाराज भी कहते हैं, हूं जब आता देख्या नाई नरसी ने नाड़ झुकाई, जब आता देख्या नाई नरसी ने नाड़ झुकाई, हर वस्तु का मोहताज और मोर मुकुट मुरली धर मोहन, और मेरी आज बचा दे प्रभु। आज इस भक्त की लाज आपके हाथों है और कह रहे हैं, हो जब आता देख्या नाई नरसी ने नाड़ झुकाई, हर वस्तु का मोहताज मोर मुकुट मुरली धर मोहन, आज बचा दे।
सभी से निवेदन रहेगा, शब्दों पर जरूर गौर फरमाएं। नरसी जी महाराज यूं कहने लगे कन्हैया कि जब मेरे पास धन माया थी तब मेरे अपने अपने कहते थे, आज मेरे पास माया नहीं रही, वही अपने भाई बंधु कहते, हम नरसी को नहीं जानते। आगे आगे सुनिएगा भजन के माध्यम से अंतरा। We'll be right back.
हेमलाइनों में नरसी जी कहने लगे, हाथ हिलाता भाई जावे, समझेगा पाखंडी भीम सिंह ताए मां पर मारत की पकड़ लई पगडंडी 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 लगा ज्ञान की मंडी इसमें देता फिरे आवाज मोर मुकुट मुरली धर मोहन आज बचा दे बोलो बाकी।